नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर और आप लाइव हमारे चैनल पे यानी किशोर कुमार बैनर्जी पे। इस चैनल में हम न्यूज, ट्रैवल वीडियोस और ड्रामास रेगुलर बेसिस पे लाते हैं। तो जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे एयरलाइन, जेन्युइन एयरलाइन जॉब्स के बारे में। तो एक एक कंपनी का होगा, रेगुलर मैं बताता रहूंगा। आज हम बात करेंगे फ्लाई बिग एयरलाइंस के बारे में। आपको पता होगा कि कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो दिया था कि एक नई कंपनी आई है फ्लाईबिग के नाम से हमारे देश में, इंडिया में। तो 2020 दिसंबर 2020 में लॉन्च हुआ है। तो उससे क्या होगा, ये एयरलाइन जो सेक्टर में एक नया कंपनी आया है, उससे नए जो है एयरलाइन जॉब्स जनरेट होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और आप वो वीडियो देख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे उसी एयरलाइन कंपनी के बारे में, मतलब फ्लाईबिग के जो है केबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ में किस तरीके से अप्लाई करते हैं जेन्युइनली, उसी के बारे में बात करेंगे। तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे मैं सारा स्टेप आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को आगे देखते रहिएगा। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यही कहूंगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्लाईबिग एयरलाइन कंपनी जो है, उसके जो है केबिन क्रू या ग्राउंड स्टाफ में अप्लाई करने के लिए हमें जो है उनके कैरियर सेक्शन में जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको मैं सबसे पहले जो है मेरे लैपटॉप में लेकर जाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करते हैं वो दिखाऊंगा आपको। तो चलिए मेरे लैपटॉप में पहले मैं दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरीके से जेन्युइनली अप्लाई करना है। तो दोस्तों, अभी मैंने अपना लैपटॉप का स्क्रीन जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आपको जो है गूगल में जाके फ्लाईबिग कैरियर्स लिखना है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूंगा मैं, तो क्लिक करते हैं कैरियर्स में। तो आपको बताना है कि किस तरीके से आप अप्लाई करते हो। वैकेंसी जो है ये देखिए, कैरियर का पेज जो खुला है उसमें दिया हुआ नहीं है, मगर सेक्टर्स जो है वो दिए हुए हैं, मतलब कैटेगरीज जो है वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू ज्वाइन अस एंड बिकम ए पार्ट ऑफ फ्लाईबिग फैमिली, कॉन्टेक्ट अस एट hr@flybig.in। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको दिखा देता हूँ कि केबिन क्रू, पकड़ लीजिए केबिन क्रू, इसमें आपको अप्लाई करना है तो क्या क्या क्राइटेरियाज दिए हुए हैं वो देखिएगा। एक्सपीरियंस केबिन क्रू दिया हुआ, एप्लीकेबिलिटी क्या क्या है वो आप देख सकते हो कि वैलिड इंडियन पासपोर्ट चाहिए, मिनिमम एज क्या है 21 ईयर्स ऑफ एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये देखिए 10+2 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, कम्युनिकेशन चाहिए फ्लुएंसी एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीच इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, हाइट जो है 155 सेंटीमीटर मिनिमम। तो इस तरीके की चीज़ें दिए हुए, डॉक्यूमेंट्स टू बी ईमेल्ड, CV, फुल लेंथ फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो और कॉम्पिटेंसी कार्ड इफ एनी, जॉब जो है वो फुल टाइम है, ऑल एप्लीकेशन टू बी ईमेल्ड hr@flybig.in एंड वी शैल गेट बैक टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। तो वो देखेंगे और उस बेसिस पे आपको जो है ईमेल के थ्रू ही नोटिफाई किया जाएगा कि आपका नेक्स्ट जो है इंटरव्यू कैसे, कहाँ, किस तरीके से होगा। लोकेशन जो है, कैंडिडेट शुड बी विलिंग टू रीलोकेट एनीवेयर अक्रॉस द फ्लाईबिग नेटवर्क एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट। तो लोकेशन जो है वो स्थिर आप जहाँ पे चाहते हो वहाँ नहीं भी हो सकता है, लोकेशन वेरी करेगा। तो केबिन क्रू मैंने जैसे आपको दिखा दिया, साथ ही मैं आपको दिखा देता हूँ ग्राउंड स्टाफ। तो ग्राउंड स्टाफ के लिए क्या क्या जो है अभी क्राइटेरियाज है वो हम देख लेते हैं। तो ग्राउंड स्टाफ के लिए जो है आप ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, वी आर सर्चिंग फॉर टैलेंटेड पर्सनालिटीज टू ज्वाइन आवर एयरलाइन, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ब्राइट फ्यूचर लॉन्च योर कैरियर विथ अस, वी ऑफर यू द स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्साइटिंग लाइफस्टाइल एंड अ प्रॉमिसिंग कैरियर, नॉट जस्ट अ जॉब। तो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी बोथ मेल एंड फीमेल है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट दिया हुआ है क्या क्या चीजें चाहिए, इंडियन नेशनल, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मिनिमम एज 18 ईयर्स, मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर, ग्रेजुएट्स चाहिए ग्राउंड स्टाफ के लिए, केबिन क्रू के लिए 12+ था, ग्रेजुएट्स चाहिए ग्राउंड स्टाफ में, एटलीस्ट एक्सीलेंट हेल्थ एंड फिटनेस, फ्लुएंसी इन स्पोकन एंड रिटन हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों के लिए, आउट गोइंग पर्सनैलिटी विथ एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स, मतलब आउटगोइंग पर्सनैलिटी इसलिए कि बाहर भी जॉब हो सकता है, एबिलिटी टू वर्क विद इन द टीम, पैशनेट अबाउट कस्टमर गेस्ट सर्विस। तो डॉक्यूमेंट्स टू बी ईमेल दिया हुआ है, CV, फुल लेंथ फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, कॉम्पिटेंसी कार्ड इफ एनी। तो इस तरीके के जो है क्राइटेरियाज दिए हुए हैं आपको, वही सेम hr@flybig.in में जो है ईमेल करना है उसको। इस चीज को छोड़ के बाकी कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल अदर्स
उसके बाद पायलट, इंजीनियरिंग, इन सारे जो है क्राइटेरियाज को भी आप देख सकते हो। आप जाके जो है इस वेबसाइट में जाके आप देखो आपको जिस जिस फील्ड में आप जिस फील्ड के हो, अगर पकड़ लीजिए आप टेक्निकल बैकग्राउंड के हो तो इंजीनियरिंग सेक्टर से अपना अपना जो है पढ़ाई, जो अपने जिस चीज़ पे जिस फील्ड में पढ़ाई की है उस बेसिस पे आप देख सकते हो। तो बाकी और एक चीज़ बताना था कि यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है contact@hr@flybig.in, उसके ऊपर जो है यहाँ देखिए एक नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ भी आप कॉल करके जो है पूछ सकते हो। नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 9910655655, इसमें भी कॉल करके आप वैकेंसी पूछ सकते हो। बाकी जो है आपको अप्लाई उसी तरीके से करना है ईमेल करके, और नोटिफिकेशन भी जो है वो ईमेल के थ्रू ही आपको किया जाएगा कि कहाँ इंटरव्यू वो लोग अरेंज कर रहे हैं। आप शॉर्टलिस्ट होते हो तभी आपको किया जाएगा मेल। तो कुछ इस तरीके से जो है हम फ्लाईबिग में अप्लाई करते हैं, ये जेन्युइन तरीका है। और बाकी जो है और सारे जो एयरलाइन कंपनीज है, यानी कि इंडिगो, विस्तरा, गोएयर, स्पाइसजेट, इन सारे जो है वेरियस जो एयरलाइन कंपनीज है, उनमें किस तरीके से अप्लाई किया जाता है वो भी मैं आपको आगे वीडियोस में दिखाऊंगा। होप दोस्तों आपको इस वीडियो से मदद मिली हो कि किस तरीके से हमें जो है केबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ में अप्लाई करना है। तो हालांकि यहाँ पे अभी जो है रिसेंटली आपको जो है वैकेंसीज दिखा नहीं रही है, मगर आप अप्लाई करके रखोगे और जब उनका जो है वैकेंसी, जिस तरीके से उनका वैकेंसी आएगा उसी के साथ साथ जो है आपको नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू मिलता रहेगा। साथ ही में आपको और ज्यादा अगर उनके बारे में जानना है, मतलब और ज्यादा आपके क्वेरीज भी रहेंगे मन में है, तो ऊपर जो नंबर दिया हुआ था मैंने जैसे दिखाया आपको, उसमें आप कॉल करके भी जो है जान पाओगे। जेन्युइन है तो आपको जरूर जो है वो हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ जो है जैसे जैसे वैकेंसीज आएंगे आपको जो है ईमेल में नोटिफिकेशन मिलेगा, और उसी तरीके से इंटरव्यू अरेंज होगा। और उस इंटरव्यू को आप जब उस इंटरव्यू को अटेंड करोगे, उसे अगर क्रैक करोगे, तो ऑब्वियसली आपको जो है जॉब मिल जाएगा। पहले जो है ट्रेनिंग रहेगा, कुछ एक महीने का, 15 दिन या फिर एक महीने का ट्रेनिंग रहेगा, उस जिसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, मतलब पैसे मिलेंगे। और उसके बाद जो है आपको परमानेंट जॉब जो है एयरलाइन के फील्ड में आपको दे दिया जाएगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में आप अप्लाई करना चाहे, केबिन क्रू हो या ग्राउंड स्टाफ हो या फिर टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन, किसी में भी हो। तो इस तरीके से अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो है हम जाएंगे दूसरे जो कंपनीज है, इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्तरा, गोएयर, इनमें किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। एज पर द वैकेंसीज, मंथ वाइज वैकेंसी निकलती है, अभी धीरे धीरे जो है चालू हो रही है, सबसे ज्यादा जो है इंडिगो में मिल रहा है। तो नेक्स्ट इंडिगो पे जो है मैं आप एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप जरूर जो है सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिले। किस तरीके से एयरलाइन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं वो आप देख के आराम से जो है अप्लाई कर सकोगे। तो आज के लिए किशोर की तरफ से टाटा।